अस्सलाम वालेकुम, इरबाज़ साकी, पाकिस्तान प्रॉपर्टी इंटर के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम बहुत सी वीडियोस में आपको अपडेट रखते हैं लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन के हवाले से। तो बहुत से क्लाइंट्स की क्यूरी थी, ओवरसीज़ क्लाइंट्स जैसा कि उनकी क्यूरी थी कि क्रिकेट स्टेडियम जो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है उसके हवाले से भी अपडेट करें। तो आज मैं उसकी लोकेशन पर मौजूद हूँ। ये मेरे जो सामने आपको कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ नज़र आ रहा है, ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम पर ही काम हो रहा है और यहाँ से आपको व्यू मिलता है आईफिल टावर का भी। तो आज मैं प्रॉपर आपको अपडेट करूंगा और ट्राई करूंगा कि मैं स्टेडियम के अंदर भी जा सकूं, अंदर का व्यू भी आपको दिखाऊंगा। काफ़ी तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है। पैरागोन कंपनी है जो कि इसको हैंडल कर रही है, इसके सारा लुक आफ्टर कर रही है। बैरिया ने इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पैरागोन कंपनी को दिया है। स्टेडियम जो कि 2022 में ऑपरेशनल होना था, कोविड के बायस और बैरिया के कुछ हालात ख़राब हो गए, ऐसे कह सकते हैं कि 1.5-2 साल कंस्ट्रक्शन का काम रुका रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से काफ़ी काम पीछे चला गया। तो अभी एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि 2 साल मैक्सिमम है कि मैक्सिमम 2 साल के अंदर आपको इसका ये रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम का जो है पोजेशन मिल जाएगा। सबसे पहले इसकी सराउंडिंग के बारे में बताता चलूँ तो इसकी सराउंडिंग में जो है प्रेजेंट 35 के विलास, पीसेंट 34 के 250 यार्ड के प्लॉट्स, पीसेंट 33 के 500 यार्ड के प्लॉट्स, पीसेंट 36 के 500 यार्ड के प्लॉट्स, पीसेंट 37 के 1000 यार्ड के प्लॉट, पीसेंट 38 के प्लॉट्स, ये सराउंडिंग में इसकी प्रॉपर्टी आती है। और ये मेन गेट से जो इसका डिस्टेंस है वो तकरीबन कोई 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट की ड्राइव है मेन गेट से यहाँ पर। जैसे ही क्रिकेट स्टेडियम ऑपरेशनल होगा तो इसकी सराउंडिंग की प्रॉपर्टीज़ में काफ़ी ज़्यादा जो है जंक आएगा, मल्टीप्लाई हो जाएंगी वो प्रॉपर्टीज़ जो इसकी सराउंडिंग में, जिनमें बैरिया स्पोर्ट सिटी विलास हैं, जिससे कि बैरिया ने ऑलरेडी ही स्पोर्ट सिटी विला का नाम दिया है। तो आज अगर वो 1.5 करोड़ और 1.40 करोड़ के इन बिटवीन ग्रे स्ट्रक्चर या कोई रेडी विला भी मिल रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी आपको मिनिमम से मिनिमम भी इस स्टेडियम ऑपरेशन होने के बाद 3-3.5 करोड़ रुपये के इन बिटवीन मिलेगी। हम इसे कंपेयर कर लेते हैं कराची सिटी के जो सराउंडिंग में प्रॉपर्टी है, या जैसा कि लाहौर में स्टेडियम है, लाहौर के स्टेडियम के सराउंडिंग में प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी काफ़ी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी है। काफ़ी उनका दूसरी प्रॉपर्टीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो रेट में काफ़ी डिफरेंस आता है। तो इसी तरह इसका भी यही है कि यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा जैसे ही ये स्टेडियम ऑपरेशन हो जाएगा। ये अभी जो कि मैं थोड़ा सा अपडेट कर देता हूँ प्लॉट्स के वाले से, 33 में आपको जो प्लॉट्स मिल रहे हैं इस वक्त 500 यार्ड के, वो मिनिमम 35-40 लाख इन बिटवीन इजीली मिल जाते हैं। तो जैसे ही ये स्टेडियम ऑपरेट होगा तो वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे उनके रेट्स, पीसेंट 33 के 500 यार्ड के प्लॉट्स। इसी तरह जैसा कि स्पोर्ट सिटी विलाज हैं, इनके भी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ेंगी। और 34-250 यार्ड के प्लॉट्स अभी रिसेंटली अगर हम देखते हैं तो वो तकरीबन 30-32 लाख इन बिटवीन इजीली प्लॉट मिल जाता है 250 यार्ड का। तो ये इसका हमने राउंड बोर्ड चक्कर ले लिया और मैं ट्राई करता हूँ कि मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाए कि मैं स्टेडियम के अंदर भी इंटर हो जाऊँ और स्टेडियम का अंदर का व्यू भी आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पे जगह तो मिल गई है और गाड़ी का जाना मुश्किल है और मैं यहाँ पे पैदल वॉक करके जाता हूँ। हमें रास्ता तो मिल गया है पर गाड़ी यहाँ से लाना मुश्किल था। डस्ट ट्रैक है ये, ये हम एंटर हो गए स्टेडियम में। अब इसका लेआउट प्लान तो मेरे पास नहीं है कि मैं आपको अपडेट करूं कि ये इस जगह पे ये लोकेशन होगी, ये चीज़ बनेगी, और आइडिया लगा सकता हूँ। ये इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ तो ये स्टेयर्स हैं सामने मेरे सराउंडिंग में और ये मेन
ग्राउंड है सेंटर। साइडों की जो वॉल्स हैं वो तो कंप्लीट हो चुकी है, जो कि इतनी हाइट की होगी, और ये सेंट्रल एरिया है इसका, स्टेडियम का। बाहर जैसा कि देखा है कि वाटर टैंक बन चुके हैं अंडरग्राउंड, उसके ऊपर पार्किंग देगा बैरिया, तो वो पार्किंग की लोकेशन भी जो सराउंडिंग में हमने अभी ट्रैवल करके आए वो बेसिकली इसकी पार्किंग की लोकेशन होगी। और उसके बाद यहाँ पे कमर्शियल भी बनेगा सराउंडिंग में इसके, जैसा कि दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं उसके सराउंडिंग में, या स्टेडियम के सराउंडिंग में भी कमर्शियल। इसके साइडों पर शॉप जिस तरह कराची का स्टेडियम है उसमें बनी हुई है, इसी तरह यहाँ पर भी बनेंगी। और ये यहाँ पे काम हो रहा है, जनरेटर चल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट है। ये थी आज की वीडियो क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से, आपको अपडेट किया क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से कि क्रिकेट स्टेडियम का जो है काम तेज़ी से जारी है। बाहर काफ़ी ज़्यादा इसकी स्लैब्स वगैरह आ चुकी हैं, काफ़ी काम हुआ है। अंदर का काम आज जो है विज़िट किया है, यहाँ पे काम भी हो रहा है। और इसी तरह फिर ये एक लुक दिखा देता हूँ फिर से, ये आईफिल टावर जो कि आपको यहाँ बैठ के भी व्यू मिलेगा, जहाँ पर खेल रहे हैं सराउंडिंग में आपको आईफिल टावर का व्यू भी मिलेगा। ये स्टेयर्स हैं, और अब करता हूँ वीडियो का एंड, क्योंकि और कुछ तो है नहीं मेरे पास कि मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि लेआउट प्लान ये होगा, ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी रेटर। अल्लाह हाफिज़।